हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे बेस्ट प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी। इस कॉलेज में मेनली हम देखने वाले हैं डी फार्म, बी फार्म, बी फार्म लेटरल एंट्री और एम फार्म का एडमिशन प्रोसीजर, फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्लेसमेंट के बारे में वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं कि बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है ये PCI से अप्रूव्ड है और मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको डी फार्मा होता है वो 2 ईयर का होता है और साथ में आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डी फार्मा में आपको 10+2 में 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। साथ में बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वो एग्जाम क्वालिफायर होने के बाद उसके बेस्ट पे यहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे डी फार्म का जो सीट है वो दोस्तों 60 सीट है और फीस का बात किया जाए तो 1 लाख पर ईयर लिया जाता है दोस्तों। बी फार्म का बात किया जाए दोस्तों तो ये बी फार्म 4 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। बी फार्म में आपको एडमिशन लेने के लिए 10+2 साथ में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। वो उस एग्जाम के मेरिट के बेस पे यहाँ आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे बी फार्म का सीट का बात किया जाए तो 100 सीट है और पर सेमेस्टर आपको 50,000 रुपये लगेंगे फीस दोस्तों। एम फार्म का बात किया जाए दोस्तों तो एम फार्म का यहाँ पे एक ब्रांच अवेलेबल है फार्मास्यूटिक्स, उसमें 15 सीट अवेलेबल है। यहाँ पे GPA के आधार पे आपका एडमिशन होगा दोस्तों। बात किया जाए प्लेसमेंट का तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है दोस्तों वो हाइस्ट गया है 2023 में 6 लैक्स। यदि एवरेज प्लेसमेंट का बात किया जाए तो 3-4 लैक्स यहाँ पे जाता है दोस्तों। बी फार्म लेटरल एंट्री का बात किया जाए दोस्तों तो ये 3 ईयर का कोर्स होता है जिसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं और यहाँ पे बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आपको 10 सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप डी फार्म कंप्लीट जिसका रहता है वो डायरेक्ट बी फार्म के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।